हिंदी बनाम इंग्लिश, स्कूल पर सियासत, अच्छे बुरे का आरोप, क्या है सच्चाई। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पिछले साल इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल खोले जाने का ऐलान किया था, जो अब बदले बदले स्वरूप के साथ खुलने के लिए तैयार हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से खोले जा रहे इन स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होगी, बल्कि टीचर्स की भर्ती भी इंग्लिश मीडियम के हिसाब से की जा रही है। स्कूल सज धज कर तैयार हैं और किसी हाईटेक इमारत की तरह नजर भी आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को शायद ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल पसंद नहीं आ रहे हैं। वो सरकार पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों को 5-स्टार ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा रही है और हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों की उपेक्षा बता रहा है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 3 स्कूल हैं जिसमें 1,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उनके बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सशंकित हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी स्कूलों को 5-स्टार बनाया जा रहा है, हिंदी की स्कूलों को भी बनाया जाएगा। इस प्रकार की निर्णय और घोषणा और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रही है। उसका कहना है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया और सरकार की एक शानदार योजना पर सियासत कर रही है। भाजपा का आरोप निराधार। 15 साल में शिक्षा के क्षेत्र को कहाँ उठा के ले गए, तो अपने गरीबों में जाके देखे। हर माँ बाप का सपना होता है कि अच्छे स्कूल में पढ़े, और ऐसे में प्रदेश में अगर अच्छा स्कूल पढ़ रहा है सरकारी तौर पर, उनको क्या उनके पेट में दर्द हो रहा है। सरकार तो यहाँ के जो बच्चों के लिए अच्छा सुविधा दे रही है। अच्छे स्कूल तो होना ही चाहिए, अच्छे क्लासरूम होना चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए, अच्छा लैब होना चाहिए। यहाँ पढ़ने के बाद इनको महसूस हो कि हम अच्छे स्कूल। वैसे राज्य में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की हर जगह तारीफ हो रही है और इसमें एडमिशन के लिए होड़ लगी है। सरकार का मकसद हिंदी भाषी राज्य के छात्रों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के काबिल बनाना है, जिस पर कम से कम राज्य में सियासत तो नहीं होनी चाहिए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मीडियम पर नेतागिरी, मीडियम से मतलब यहां पर शिक्षा को लेकर है, स्कूल को लेकर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। दरअसल पिछले साल सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात कही और कहा कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, अपडेट होंगे, माता पिता भी चाहते हैं बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इसलिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत हुई। विपक्ष ने अब आरोप लगाया है सरकार पर कि पूरा फोकस स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पर है, सरकारी स्कूलों पर कोई सरकार का ध्यान नहीं, हिंदी मीडियम के जो सरकारी स्कूल है उनकी उपेक्षा हो रही है और सरकार को उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। चर्चा आज इसी पर कि क्या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ गड़बड़ है, क्या वाकई वो अच्छा नहीं है, क्योंकि तारीफ उसकी छत्तीसगढ़ नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी हो रही है, तो फिर दिक्कत कहां पर है। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। नवीन मार्कंडे जी भाजपा से, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार ए बी मुरली जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे विश्लेषण भी लेंगे। नवीन मार्कंडे जी, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था, सरकार का कहना था कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी तक किसी ने सुना नहीं था, तारीफ भी काफ़ी हुई, लेकिन अब आप लोगों ने आरोप लगाया कि दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में, क्या आप लोगों की आपत्तियां हैं? देखिए अभिषेक जी, हमें किसी स्कूल पर कोई आपत्ति नहीं है जी। रही बात है, ये नामकरण हुआ है अभी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, मैं उस समय एमएलए था, उस समय हमने इसको 17-18 में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए थे। डीएवी को हमने, आपने उस समय मीडिया में भी दिखाए थे, डीएवी को मॉडल के रूप में हमने शासकीय स्कूलों को दिए थे और वो प्रदेश भर में 84 स्कूलों को हमने दिए थे।
और हमने कहा था कि इसको अगर वो बेहतर ढंग से उतने खर्च में, जितना हम खर्च शासकीय स्कूल में करते हैं उतने ही खर्च में अगर ये डीएबी इसको अच्छा बेहतर बनाकर चलाती है, तो हम इसको प्रदेश में आगे फिर पूरा मॉडल के रूप में, इंग्लिश मीडियम के रूप में इसको स्थापित करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारी योजना है। अब रही बात यह है कि इस योजना में नामकरण हुआ है, अच्छी बात है, हमें इस योजना की कोई विरोध नहीं है। हमारा कहना केवल इतना ही है, तुलना कर रहे हैं कि ये इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश मीडियम बेहतर है, हर जगह चलनी चाहिए, लेकिन हमारे ही छत्तीसगढ़ के ऐसे माँ बाप हैं या ऐसे उनके बच्चे हैं जिनको बेहतर शिक्षा की जरूरत है, तो उनके बच्चे और भी हैं जो शासकीय स्कूलों में पढ़ रहा, उनको भी बेहतर शिक्षा की जरूरत है, तो उनको भी ऐसी मुहैया सुविधाएं हो, चाहे उसकी पढ़ाई हो या इंग्लिश मीडियम की बातें हो, ये उसमें होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने ये भी एक मतलब इसमें आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम जहां खोले हैं और वो अभी वर्तमान में हिंदी मीडियम के स्थान पर खोले हैं, तो वो जो स्कूल है हिंदी मीडियम जो चल रहा है उसको बंद कर दिया गया है, वहां पर के जो शिक्षक है उनको कहीं अन्यत्र ट्रांसफर किया जा रहा है, फिर वहां पर दूसरे जगह से अंग्रेजी माध्यम के जो है शिक्षक को ला रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है आप स्कूल चलाओ, लेकिन जो स्कूल चल रहा है हिंदी मीडियम का उसको कहीं अन्यत्र या उसको बंद मत करो। हमारी आपत्ति ये चीज की है, हम किसी स्कूल के या शिक्षक की आपत्ति। मैं सुरेंद्र जी से भी इस पर जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने क्या आपत्तियां हैं भाजपा की, नवीन मार्कंडेय जी के माध्यम से इस बात को सुना, उनका आरोप है कि इंग्लिश मीडियम को अच्छे ट्रीटमेंट के चक्कर में हिंदी स्कूलों की उपेक्षा हो जा रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, दरअसल मैं नवीन भाई बहुत कंफ्यूज। पहले उन्होंने कहा कि हमने 86 स्कूलों को डीएवी में शामिल किया, और तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको सभी स्कूल को बराबर करना था तो आपने पूरे स्कूलों को एक साथ बराबर क्यों नहीं किया, फिर डीएवी को एक मॉडल स्कूल के रूप में क्यों सामने रखा? और आज जब छत्तीसगढ़ की सरकार तमाम आर्थिक रूप से गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आज जब एक मॉडल स्कूल के रूप में जब पहल कर रही है, तो आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और जब 15 साल की सरकार थी आपकी, 15 साल की सरकार में जब आपने इनके इसकी गुणवत्ता को ध्यान में दिया, शिक्षकों के स्तर को ध्यान में दिया, तो आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि सरकार जो है गलत काम कर रही है, आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? दरअसल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी पहले स्वयं ये तय कर लेना चाहिए कि चाहते क्या है सरकार जो है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है उसके अनुपात में जो हिंदी मीडियम की स्कूल है वो कमतर रहे, मगर किसी भी प्रक्रिया की अभिषेक जी एक आरंभिक स्थिति होती है, तो अभी प्रारंभ में सरकार जो है इस बात का प्रयास कर रही है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में जो कि बड़ा भारी व्यापारिक केंद्र बन चुका है, और ऐसे व्यापारिक केंद्र में जो बड़े पूंजीपति के लोग बच्चे पढ़ते हैं, उसी गुणवत्ता की शिक्षा हमारे तमाम जो छोटे निचले तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको हासिल हो सके, इसलिए सरकार ने मॉडल के रूप में इन स्कूलों को प्रस्तावित किया है। जैसा इन्होंने डीएवी के लिए किया था उसी तरह से प्रारंभिक तौर पर छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल की सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हर बात में विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहा है। ठीक, मुरली जी की टिप्पणी ले लेता हूँ। मुरली जी, हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, भाजपा का आरोप है कि इंग्लिश की वजह से हिंदी की उपेक्षा हो रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है या बहुत से लोग का मानना है कि अच्छी शुरुआत है, कहीं से तो इसको शुरू करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो अपडेशन होगा, स्किल अच्छी होगी। अभिषेक जी, इस सरकार का एक महत्वपूर्ण स्कीम है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और मैं समझता हूँ कि 2.5 साल में ये स्कूल्स का शुरू होने के बाद इसकी उपलब्धता ये रही है कि 171 स्कूल पूरे प्रदेश भर में शुरू हो चुका है। कुछ तो शुरुआती दौर पर है, कुछ में एडमिशन्स, काफ़ी स्कूल्स में एडमिशन हो चुका है,
और आप देखेंगे स्कूल्स में एडमिशंस के लिए मारामारी है जी। पहले जो हिंदी मीडियम स्कूल्स थे जिनको कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, वहाँ पर भी आप देखेंगे वो हिंदी मीडियम स्कूल्स में स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए थे। लोग हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहते थे। जहाँ उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया और उसका मॉडल, उसका स्वरूप बदला, आप देखेंगे उस स्कूल्स में काफ़ी एडमिशन्स मिला है। और एडमिशन्स का ये हाल है कि वहाँ पे रिकमेंडेशंस का दौर चल रहा है, जैसे अन्य कोई बड़े प्राइवेट स्कूल्स में होता है उस तरह का स्थिति है जितने भी ये स्वामी आत्मानंद स्कूल्स हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है और एक अच्छा, मैं कहूँगा कि एक छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही उचित कदम है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार हिंदी मीडियम स्कूल्स को नज़रअंदाज कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद जिनको हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाना है उस स्कूल्स में अगर उसकी ज़रूरत है तो सरकार उस ओर पर ध्यान देगी और मैं चाहता हूं कि उस ओर पर ध्यान दे। लेकिन आप देखेंगे कि समय के हिसाब से आप देखेंगे जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं जो रूरल बेल्ट में था पहले, उसमें लोग जाते थे, लेकिन वहाँ सब प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आने के बाद संख्या बल बहुत कम हो गया है। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा देने के और छत्तीसगढ़ सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है ये। रविंद्र मार्कंडे जी, शुरुआत कहीं से तो होगी, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे जैसा सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि और स्कूलों की संख्या बढ़ती जाएगी, एक साथ तो संभव नहीं है कि सभी को इस तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन कहीं से तो शुरू करना होगा। अगर ये स्कूल शुरू हो रहे हैं तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अपडेट रहेंगे हमारे बच्चे, जो गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते उनको अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी, वक्त के साथ कदम ताल करते हुए इंग्लिश सीख सकेंगे। मार्कंडे जी, देखिए अभिषेक जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि किसी शिक्षा या शिक्षा केंद्र के कोई विरोध नहीं है। आप को मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये हमारे ही योजना है जिसका हमने जो प्रयोग किया और हमने सोचे कि भाई ये हम पूरे प्रदेश में लागू करेंगे, इसने उसी चीज मॉडल को आगे बढ़ाए। दूसरी चीज है कि हमने आपने सोचा, कांग्रेस ने कर दिया जी जी, तो आप अपनी मॉडल का विरोध कर रहे हैं नवीन जी। फिर तो मैं फिर वही बात, मैं कह रहा हूं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतनी बार कह चुका हूं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको तर्क दे रहा हूं कि इसको बेहतर किया जा सकता है, कौन सी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। मेरी पूरी बातों को ध्यान में मतलब थोड़ा सा समझिएगा भाई, कल अभनपुर में 800 बच्चे एसडीएम कार्यालय का घेराव किए, क्यों किए, क्योंकि उनके हिंदी मीडियम स्कूल को बंद कर दिए। तो भाई आखिर अगर हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करेंगे, वहां के शिक्षकों को कहीं बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भाई आखिर कैसे चलेगा भाई? ये बात को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इसको, और उसकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? 800 बच्चे अगर सड़क में आया है, डीएम कार्यालय को घेरे हैं, तो उस बात को क्या हमको नहीं करना चाहिए क्या? तो हमने तो उसी बात को रखे हैं भाई, अगर वो बातें हैं। सुरेंद्र जी, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये बड़ी आपत्ति यहाँ पर है। अभनपुर का जो एग्जांपल दे रहे हैं मार्कंडे जी यहाँ पर, कि बच्चे सड़कों पर भी आ गए क्योंकि स्कूल बंद हो रहा था और टीचरों का ट्रांसफर हो रहा है। नहीं, ये देखिए भ्रामक समाचार है, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं हो रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर भवन में परिवर्तन हुआ होगा, स्थान परिवर्तन हुआ होगा, पूर्व निर्धारित स्थान की जगह किसी दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफर किया गया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अक्षय जी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ढाई साल के अंदर 14,580 शिक्षकों की बहाली की है, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि पिछले ढाई साल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी नामक कलंक समाप्त हो चुका है। अब जितने भी हैं सब शिक्षक हैं, यहाँ पर यहाँ शिक्षा कर्मी की प्रथा समाप्त हो चुकी है, और उसी तरीके से महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वहां पर भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मगर वहां अध्यापक नहीं है, वहां प्राध्यापक नहीं है, वहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाओं का की कमी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उनको भी करना शुरू किया है। तो मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है,
जरूर उसके भवन वन में कुछ परिवर्तन की बात होगी। जहां तक अभनपुर का पर्टिकुलर एक नाम लिया है नवीन मार्कंडे जी ने, इसके संदर्भ में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। अगर पूरी जानकारी हो तो मैं इस संबंध में आप कुछ निश्चित उत्तर दे सकता, मगर मैं जरूर कह रहा हूं कि कोई भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है, न बंद किया। सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि बंद नहीं हो रहे स्कूल, भवन में परिवर्तन हो सकता है, स्कूल बंद नहीं हो रहे। सुरेंद्र भैया को तो अभी वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आज अभनपुर गया था, वहाँ जो आंदोलन किए हैं वो विद्यार्थियों से मैं मिला भी, और उन लोगों ने अपनी पूरी बातें रखे हैं, मैंने इसको रख दिया। अब सरकार का काम है कि उसको संज्ञान में ले और समाधान निकाले। प्रदेश में ऐसे कितने स्थान पर है जहाँ पर ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही है, उसको ध्यान में रखें। हम तो ये तरह से कहें कि शिक्षा में सुधार के लिए जो व्यवस्था में सुधार करनी है, उस सुधार के लिए हम इनको मतलब एक तरह से बता रहे हैं सरकार को कि इन जगहों पर या ऐसे व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, ताकि जो विद्यार्थी है उनको और बेहतर लाभ मिल सके। तो अगर इनको लगता है कि उन समस्या का समाधान करना है तो करना चाहिए, नहीं लगता कैसे सुधार किया जा सकते हैं, कुछ अगर आपके पास सुझाव हो नवीन जी तो हम तो बता दिए ना कि जो शासकीय स्कूल पर आप एकदम से खर्च करके उनको बेहतर मॉडल तैयार कर रहे हैं, वहीं बगल में एक ही कैंपस पर बगल में दूसरे स्कूल उपेक्षित है, तो वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ अगर पानी का पीने का जो व्यवस्था अलग है और यहाँ का पीने की व्यवस्था अलग है, तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो एक समाजवाद और पूंजीवाद में जो अंतर आता था, वैसे ही दो विद्यार्थियों में दो स्कूलों में अंतर आना शुरू तो हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, नवीन जी कोई सुझाव है इस अंतर को कैसे दूर किया जाएगा, क्या किया जाए? इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो जो स्कूल है शासकीय स्कूल जिसको आप छोड़ दिए है, उसके लिए भी मॉडल कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसको कार्य योजना में लेना चाहिए। अभी तो ये जो स्कूल आपको बता रहे हैं सुरेश जी या राज्य सरकार जो बता रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ये मॉडल के रूप में अभी हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप मॉडल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो भाई आपका योजना तो अधूरा है, और अगर आप इसको एक्चुअल में लेना चाहते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में, तो आप छत्तीसगढ़ में आप लक्ष्य लीजिए ना कि हम इस वर्ष इतने स्कूल को मॉडल बना रहे हैं, फिर आने वाले साल इतने स्कूल को, फिर आने वाले साल इतने स्कूल को, ताकि सबके कॉन्सेप्ट में दिल दिमाग में रहे कि भाई मेरा स्कूल भी आज नहीं तो कल बन जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट दिए नहीं है, आपने कार्य योजना तैयार नहीं किए, आपने इस योजना को विस्तारित करना चाहिए सुरेंद्र जी, ये कहना चाह रहे हैं नवीन मार्कंडे जी। तो अंतर आएगा नहीं, निश्चित रूप से इस योजना को विस्तार देने की ही नीयत है सरकार की, और हम तो ये चाहते हैं कि चाहे हिंदी स्कूल हो चाहे अंग्रेजी स्कूल हो, बच्चों को सुविधापूर्वक स्थान में बैठने का, पढ़ने का, उनका मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का, उनके पाठ्यक्रम का, उनके स्वास्थ्य का, उनका पूरा ध्यान दिया जाए। ये बच्चे हमारी पूंजी है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए, राष्ट्र के लिए, ये हमारी पूंजी है। तो अपनी पूंजी को संवारने की और उसको गति देने की, उसको दिशा देने की, उसको आगे बढ़ाने की, उनके सपनों को साकार करने की चेष्टा तो सरकार की रहेगी, मगर सरकार कहीं ना कहीं से तो शुरू करेगी ना अभिषेक जी, सरकार कहीं ना कहीं से शुरू करती है। कभी दिल्ली जो है चमचमाता था, फिर बाद में भोपाल चमकने लगा, फिर अब रायपुर चमकने लगा, तो उसका असर धीरे से बलौदा बाजार में आया, तो उससे धीरे धीरे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे सब विकास की धारा पहुंचती है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारी सरकार ने किया है, और ऐसे लोगों के लिए सबसे मुख्य बात यह है, ये तो कमाल की बात यह है कि गरीब के बच्चे जिनको बड़े बड़े जीपीएस को देखते हैं, बड़े बड़े स्कूलों को देखते हैं, और एक हसरत भरी निगाह से जो बच्चे देखते थे, वो भी उसी स्तर के स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकार के मदद से पढ़ रहे हैं। इस सरकार को साधुवाद देना चाहिए और निश्चित रूप से ये काम और आगे बढ़ना चाहिए। सुरेंद्र जी, ये सभी बच्चों के सुविधाओं का, नवीन जी का भी है कि बचे हुए बगल के स्कूल लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल को जो सरकारी है उनके बच्चों को हसरत भरी नजरों से देखेंगे। नहीं, उनकी हसरत भी पूरी होनी चाहिए। सरकार की योजना ये है कि हम आने वाले समय में समस्त स्कूलों को उसी गुणवत्ता के और उसी स्तर का बनाने का प्रयास करेंगे। जी।
ठीक है मुरली जी, ये पूरा सिस्टम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सरकार विस्तारित भी करना चाहती है जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, क्या हम बिल्कुल सही फॉर्मेट में जा रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है, शिक्षा बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बच्चों के लिए? अभिषेक जी, जिस तरह से स्कूल का प्रयोग किया है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने का, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी कुछ मॉडल स्कूल्स इंग्लिश मीडियम उन्होंने भी शुरू किया था जब केदार कश्यप जी मिनिस्टर थे, लेकिन उसका कहाँ तक वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसका जो मार्जिन था या जो उसका जो एरिया स्प्रेड था बहुत कम था, इसलिए इस तरह से जैसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए क्रेज बना है लोगों में, वो वैसे उस समय नहीं था। लेकिन चूंकि सरकार इसको अपनी एक स्कीम के तहत लेकर इसको एक 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 अपने फ्लैगशिप स्कीम की तरह इसको आगे बढ़ा रहा है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा, एक तो अच्छे शिक्षकों की भर्ती किया जाए, दूसरा इन स्कूलों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर डेवलप करें। ये दोनों ही चीज़ों पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जब तक आपका टीचिंग फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों उच्च स्तर का नहीं होगा, तो आपको प्राइवेट स्कूल्स के से जो कंपटीशन आपका है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। चूंकि सरकारी टीचर्स है तो ये हम मानते हैं कि वो टीचर्स अच्छे ही होंगे, लेकिन इनको अभी जो रेशियो रखा है 1:4 यानी 40 बच्चों के पीछे एक टीचर, तो मुझे लगता है कि ये जो रेशियो है इसको बरकरार रखें। लेकिन जिस तरह से होड़ है आत्मानंद स्कूल में भर्ती के लिए, मुझे लगता है कि ये जो रेशियो है ये गड़बड़ा सकती है, उस पर आपको बिल्कुल अडिग रहना है। और इसके साथ साथ आपको लगेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल के लिए शामिल होने में, इसमें एडमिशन लेने के लिए आतुर है, तो लगता है मुझे कि आने वाले समय में और स्कूलों को शुरू करना होगा, भविष्य पर लगानी होगी और बहुत बारीकी के साथ आगे बढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट को विस्तार देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मीडियम पर जो ये सियासत भला भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का काम है यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ कमियाँ निकाल कर बताना और उनमें सुधार की कोशिश करना, और बहुत अच्छी बात है कि सुरेंद्र जी बोल भी रहे हैं कि उसमें विस्तारित किया जाएगा आने वाले समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस स्कूल में लेने की कोशिश की जाएगी। अच्छी बात है, बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कदम ताल करते हुए प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ चलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की पहुंच से दूर है, उसी स्किल के साथ उसी मीडियम के साथ आगे बढ़ेंगे। किस तरीके का ये प्रयोग आगे बढ़ता है, कितना सफल होता है, भविष्य पर हालांकि सभी की निगाहें हैं। शुभकामनाएं सभी देते हैं और सभी चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ये प्रयोग सफल हो, ताकि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं बहुत जल्द तरक्की करें, भविष्य उनका बेहतर हो, वो वेल स्किल्ड हो। आज का मुद्दा में नमस्कार।